हेलो एवरीवन दोस्तों, आप किसी भी टीचिंग कोर्स की प्रैक्टिस ले रहे हों, बीएड, बीटीसी, एनटीटी, ईटीटी, जो भी है, ये माइक्रो लेसन प्लान सब जगह बनाने होते हैं। मैं उसी सिलसिले के अंतर्गत ये वाणिज्य विषय कॉमर्स के माइक्रो लेसन प्लान आज आपको दे रहा हूं। तो देखिएगा, इसके कौशल मैंने कई करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां सब कुछ मिलेगा और दूसरे विषयों के भी आपको मिलेंगे। तो आज है उद्दीपन परिवर्तन कौशल या उद्दीपन कौशल, दोनों एक ही बात है। तो ये एंट्री आप अपने हिसाब से, अपने अपने फाइल के हिसाब से कर दीजिएगा। टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं आज, अंतिम खाते। ठीक, तो एक नजर इस प्लान को डालिएगा, फिर प्लान को बनाने का पूरा तरीका और ये कैसे तैयार होता है एक नजर जरा सा इसको देखिएगा। इसमें पहले दो प्रश्न किए गए हैं, दो प्रश्न के बाद फिर एक स्पष्टीकरण दिया गया है और स्पष्टीकरण के बाद फिर ये दो प्रश्न हैं। अब ये इस तरह से क्यों और कैसे बनाया जाता है उसके संबंध में आइए देखते हैं इसके मानक क्या होते हैं। आप मेरे पहले वीडियो भी देख चुके होंगे ऐसी उम्मीद करता हूं, नहीं देखे हो तो उनको भी देखिएगा। माइक्रो और मैक्रो से संबंधित आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये कोई भी माइक्रो स्केल जब भी आप सीख रहे हैं उस कंपोनेंट्स को ध्यान रखें और हो सके तो इनको याद भी रखें। अगर आपको वास्तव में अच्छा टीचर बनना है तो ये कंपोनेंट्स आपको लाइफ टाइम याद रखने पड़ेंगे। याद रखने का मतलब नहीं है कि इनको जो के तो रटना होता है, बस इनको एक बार समझ लीजिए कि ये चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, क्योंकि अच्छे शिक्षण के लिए ये सब चीजें मानक रखना जरूरी होता है। अब बात आती है उद्दीपन परिवर्तन होता क्या है। तो उद्दीपन परिवर्तन के अंतर्गत बालक को विभिन्न भाव मुद्राओं के द्वारा, शरीर संचालन के द्वारा, आवाज में उतार चढ़ाव के द्वारा स्पष्टीकरण देते हुए और कई सारी चीजें, कई सारे कंटेंट समझाए जाते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है देखते हैं। शरीर का संचालन, अब शरीर का संचालन कैसे करेंगे क्लास में, देखो मूर्तिवत तो कोई टीचर खड़ा नहीं होता है मूर्ति की तरह से सीधा सा, तो सजीव प्राणी है तो हम लोग थोड़ा सा टहलते हुए इधर उधर भाव मुद्राओं के साथ काम करेंगे, लेकिन किस तरह से करेंगे वो देखना है। तो भाव मुद्रा व्यक्त करना, मुख मुद्रा के द्वारा अभिव्यक्ति, नयन संकेत के द्वारा और सिर हिलाने के द्वारा और हस्त संकेत के द्वारा, ये इस तरह के शरीर संचालन ये टॉपिक के अकॉर्डिंग रहेंगे जैसा आपका टॉपिक है। दूसरा, स्वर में आरोह अवरोह। अगला देखिए, भाव केंद्रीयकरण के द्वारा, शाब्दिक केंद्रीकरण का प्रयोग, मुद्रात्मक केंद्रीकरण का प्रयोग, शाब्दिक मुद्रात्मक केंद्रीकरण। पांचवा है छात्र शिक्षक परस्पर क्रिया प्रारूप परिवर्तन के द्वारा। नेक्स्ट है शिक्षक कक्षा परस्पर क्रिया, शिक्षक छात्र परस्पर क्रिया, छात्र छात्र परस्पर क्रिया, विराम प्रयोग, दृश्य शब्द क्रम परिवर्तन, दृश्य से श्रव्य की ओर, श्रव्य से दृश्य की ओर और दृश्य श्रव्य का एक साथ प्रयोग करना। तो ये जो आप देख रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं अभी आपकी समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैंने अभी समझाया ही नहीं है। अब मैं आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए कहूंगा। अगर आप वास्तव में इसको पूरा समझना चाहते हैं तो अब समझना शुरू करिएगा। अब देखते हैं, ये जो अभी आपको पहले प्रश्न दिखाए थे कि अंतिम खाते के अंतर्गत क्या क्या आना है, अब आपको यहां से प्लान समझना शुरू होगा। अभी तक मैंने इसके बारे में भूमिका समझाई है आपको। तो अंतिम खाते के बारे में जब आप पढ़ाने जा रहे हैं तो अब देखिए कैसे शुरू होता है। ये प्यूपिल टीचर की एक्टिविटी है और ये स्टूडेंट की एक्टिविटी है। अभी आप इधर ध्यान न दें, ये मैं बाद में बताता हूं। तलपट की सहायता से क्या तैयार किया जाता है। मुख्य मुद्रा द्वारा स्वीकृति, ये प्रश्न पूछा है। और मुख मुद्रा, कुछ मुख का संचालन, तलपट की सहायता से अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं, एक छात्र ने जवाब दिया। अंतिम खाते क्यों बनाए जाते हैं, अगला प्रश्न। छात्र निरुत्तर हो गए, नहीं पता छात्रों को। शिक्षक कक्षा परस्पर क्रिया, शिक्षक देख रहे हैं, छात्र आंसर नहीं दे रहे हैं। पहले वाले में मुख मुद्रा द्वारा स्वीकृति है, किस चीज की, इसके आंसर की।
ठीक। अब आगे देखिएगा, यहां जब एक प्रश्न खड़ा हो गया कि अंतिम खाते क्यों बनाए जाते हैं, तो फिर स्पष्टीकरण यहां देना बनता है टीचर का। वीडियो साफ दिख रहा होगा, ना दिख रहा हो तो एक रेसोल्यूशन चेंज कर लेना 360 पर या 480 पर, आपको और क्लियर नजर आएगा। अंतिम खाते व्यापारी की आर्थिक स्थिति जानने के लिए तैयार किया जाता है। अंतिम खाते के अंतर्गत व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा को शामिल किया जाता है। ये शरीर संचालन के द्वारा इतनी सारी चीजें बताई जाएंगी। व्यापार खाते से व्यवसायी को यह पता चलता है कि उसे हिसाबी वर्ष में माल के क्रय तथा विक्रय से कुल कितना सकल लाभ हानि हुआ है। इसमें स्वर में उतार चढ़ाव रहेगा, आरोह अवरोह रहेगा शिक्षक के द्वारा। थोड़ा सा और जूम करके देखिएगा, आसानी से आपको दिख जाना चाहिए। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको पूरा समझा दिया जाए, बस आप धैर्य के साथ वीडियो देखते रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा। किंतु व्यवसायी का मुख्य उद्देश्य शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करना होता है। यहां तक आपने स्पष्टीकरण देखा, अब इसमें शरीर का संचालन भी हुआ, स्वर में आरोह अवरोह भी हुआ। अब आगे देखिए क्या होता है। व्यापार खाते में किन व्ययों का लेखा किया जाता है। अब शिक्षक कक्षा परस्पर क्रिया है, शिक्षक और कक्षा के बीच परस्पर क्रिया होगी, संबंध में क्या रहेगा। व्यापार खाते में प्रत्यक्ष व्ययों का लेखा किया जाता है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में कौन सी मदें होती हैं। आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में स्थायी संपत्ति, चालू संपत्ति, चल संपत्ति होती है, गलत लिखा हुआ है, चल संपत्ति होती है, नयन संकेत के द्वारा होगा। तो ये जितनी भी भाव मुद्राएं हैं ये हैं। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा, लेकिन मैं दोबारा से फिर समझाता हूं। आप ये मत सोचिए कि वीडियो बड़ा किया जा रहा है, वीडियो को आपको समझाने के उद्देश्य से मैं आपको चाहे बेशक दो बार दिखा दूं, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि वीडियो पूरा होते होते आपकी सब चीज समझ में आ जानी चाहिए। अब आप देखिए, मैं आपको फिर दोबारा से समझाई देता हूं। जो कंपोनेंट्स थे ये एक मानक थे, इनमें अभी इनके अनुसार ही हमने प्रश्न बनाए थे। अब कौन कौन से कंपोनेंट कैसे कैसे हमने यूज किए हैं वो देखिएगा। शरीर का संचालन हुआ टीचर का भी देखा आपने, भाव मुद्रा की भी अभिव्यक्ति हुई, और भाव मुद्रा के अंतर्गत क्या हुआ, मुख मुद्रा, नयन संकेत, सिर हिलाने के द्वारा और हस्त संकेत, ये सारे काम हुए हैं। स्वर में आरोह अवरोह भी रहा, भाव केंद्रीकरण के द्वारा भी रहा, शाब्दिक केंद्रीकरण, मुद्रात्मक केंद्रीकरण, शाब्दिक मुद्रात्मक केंद्रीकरण, ये सब कुछ हुआ। छात्र शिक्षक परस्पर क्रिया का प्रारूप परिवर्तन हुआ, शिक्षक कक्षा परस्पर क्रिया की, शिक्षक छात्र परस्पर क्रिया हुई और छात्र छात्रों में भी क्रिया हुई। आगे आता है विराम प्रयोग है, दृश्य शब्द, क्रम परिवर्तन करना, दृश्य से श्रव्य की ओर जाना, श्रव्य से दृश्य की ओर जाना और दृश्य शब्द दोनों का एक साथ प्रयोग करना। अब दिख रहा होगा आपको, दृश्य शब्द का एक साथ प्रयोग करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिख लीजिए डायरी पेन। मेरी क्लास में जो भी बैठे हैं वो सभी अपना डायरी पेन के साथ तैयार रहे। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स बताए हैं अभी आपको, इन सब का हमने इधर प्रयोग किया है। अब कुछ हद तक आपको समझ में आ चुका होगा कि इन कंपोनेंट्स का कहां कहां किस तरह से यूज किया जाता है। पूरा समझने के लिए अभी एक मिनट और इधर दिखाता हूं मैं आपको, दोबारा से फिर देखिए। दोबारा कुछ अलग समझाना चाह रहा हूं, वही समझना नहीं है, ऐसा ना समझे कि वीडियो को लंबा किया जा रहा है। मेरे वीडियो में अगर आप दो मिनट ज्यादा दे रहे हैं तो आपको कुछ ज्यादा सीखने को मिलेगा। ये अंतिम खाते, तो पहला प्रश्न किया आपने, दूसरा प्रश्न किया, दोनों प्रश्नों के छात्रों ने यहां उत्तर दिया और यहां छात्र निरुत्तर हैं। मुख मुद्रा की स्वीकृति हुई है और शिक्षक कक्षा की परस्पर क्रिया हुई है, तो कंपोनेंट्स उधर वाले इधर यूज हो रहे हैं और शिक्षक का भाव संचालन या उद्दीपन का परिवर्तन हो रहा है। अब देखिएगा उद्दीपन का परिवर्तन कैसे है। जब शिक्षक के भाव मुद्रा, उसके नयन संकेत, सिर हिलाना, मुख मुद्रा, स्वर में आरोह अवरोह, ये उद्दीपन का परिवर्तन करते हैं, छात्रों के सीखने को और ज्यादा सरल बनाते हैं और छात्र और शिक्षक की जो परस्पर क्रिया है ये भी सीखने को और ज्यादा सक्रिय बनाती है।
तो ये दो प्रश्न पूछने के बाद जब छात्र यहाँ पर अंतिम खाते के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर अंतिम खाते की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है, जैसे मैंने भी आपको यहाँ दे रखी है। तो इस तरह से ये अंतिम खाते की पूरी डिटेल दी और इसके बाद फिर ये फिर दो क्वेश्चन ये देखिएगा, फिर दो क्वेश्चन किए। मैं आप पहले ही समझा चुका हूं, दोबारा समझाना का मतलब है वीडियो लंबा करना। तो ये इस तरह से पूरा प्लान तैयार होगा। अब आते हैं कि ये सब ये क्या है, मैंने बताया ना, ये बाद में बताऊंगा, ये सब इनका टैली लगाने का कार्यक्रम रहता है। टैली लगाने के लिए मेरा वीडियो अलग से भी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसी में भी समझा देता हूं। जिस किसी भी कंपोनेंट्स का इधर प्रश्न में या क्रिया में जहां जितनी बार प्रयोग किया है उतना ही टैली आपको इधर लगाना है। जैसे पहला है शरीर का संचालन, तो शरीर का संचालन टीचर ने कहां कहां किया, इसमें यहां पे भी हुआ है, इसमें यहां पे भी हुआ है, इसमें यहां पे भी हुआ है, और आगे इधर भी हुआ, इधर भी हुआ और इधर भी हुआ, तो कुल 6 जगह पे हुआ है। तो 6 जगह पे पहले वाले का दोबारा समझिए, पहले वाले कंपोनेंट का 6 जगह प्रयोग हुआ और ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 और एक 6 इस प्रकार से लगाया, और इसकी रेटिंग स्केल में भी इसको 6-7 में इसको यहां पे रखा है, जो सर्वोत्तम की श्रेणी में जाता है। इसी प्रकार से दूसरा वाला घटक, दूसरा वाला कंपोनेंट, वो भी यहां यूज हुआ, यहां यूज हुआ, यहां यूज हुआ और यहां भी यूज हुआ, तो ये भी 6 बार है। तो इसका टैली यहां पर 1, 2, 3, 4 और ये 5 और एक ये 6 इस तरह से लगाया जाता है, और इसको भी यहां तक लगा देना है। इसी तरह से ये सभी कंपोनेंट्स का टैली आपको लगाना है। तो ये आप देख सकते हैं आसानी से, जो लोग चैनल पहली बार देखा है वो अंदर प्लेलिस्ट में जाएं, वहां सभी विषय के आपको मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा, ना समझ में आया हो दोबारा देख लेना, फिर भी ना समझ में आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा और अपना फोन नंबर छोड़ दीजिए, मैं आपको कॉल करके सब समझा दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।